होली में गया और पी करके बेहोश हो गया और गिर गया, तो इसका जिम्मेवार कौन है, कौन बताएगा? बोला कि 35 या 37 को मरा है, उससे कई गुना ज्यादा मरा है और आंकड़ा छिपाया जा रहा है, बताओ कौन जवाब देगा? आदमी ओरिजिनल नहीं पिएगा तो डुप्लीकेट पी रहा है, और डुप्लीकेट पीने से सारा लोग 2 दिन जो बचेगा वो एक के दिन में साफ हो जा रहा है कि 1200 में फूल मिले आप, 600 में हाफ हो, और नीतीश जी के राज में बिकैया दारू आ ड्रोन से उड़ैया ओरिजिनल। अरे इनका ओरिजिनल तो चूहा पी जाता है, इनका पुलिस स्टेशन पी जाता है, पकड़ाता है। नमस्कार, द पंचायत देख रहे हैं, मेरा नाम उदीप तारेन है। होली बीत गई लेकिन इस होली ने 37 परिवारों को मातम में ला दिया। करीब 37 लोगों की बिहार में जहरीली शराब से मौत हो जाती है, और खासकर अगर हम बात करें भागलपुर, बांका और मधेपुरा के इलाके की, तो वहां पर ये 37 लोग हैं जिनकी मौत हो गई है जहरीली शराब से। अब इस पर राजद की क्या प्रतिक्रिया है, हमारे साथ छोटे लालू मौजूद हैं। पार्टी कार्यालय में कोई प्रवक्ता अभी आया नहीं है, चूंकि होली का खुमार शायद अभी राजनीतिक पार्टियों के जो नेता हैं उनसे उतरा नहीं है। कैसे देख रहे हैं, क्या कहना है इन मौतों पर? ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का ये जो दारू बंदी है वो बड़ा फेल हो गया। अभी तो इतने लोग मरे हैं, और सिवान में भी 14 लोग मरे हैं जी। और पूरा आंकड़ा देखा जाए तो लगभग 500 के करीब ये मृत्यु हुई है, 500 के करीब, उससे भी ज्यादा हुआ होगा। लेकिन आंकड़ा जो है सरकारी कागज में छिपा करके इसको रखने का वर्तमान सरकार काम कर रही है। तो आदमी ओरिजिनल नहीं पिएगा तो डुप्लीकेट पी रहा है, और डुप्लीकेट पीने से सारा लोग 2 दिन जो बचेगा वो एक ही दिन में साफ हो जा रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को शराब बंदी के मामले में सोचना चाहिए। और एक गाना भी निकला है कि 1200 में फूल मिले आप, 600 में हाफ हो, और नीतीश जी के राज में बिकैया दारू आ ड्रोन से उड़ैया, तो इस प्रकार का गाना आया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर जनता के हित में अगर पब्लिक चाहती है तो कीजिए चालू, नहीं तो संशोधन कीजिए। संशोधन की बात कर रहे हैं। अच्छा, जहरीली शराब और जो ओरिजिनल शराब होता है, तो ओरिजिनल शराब भी तो मिल ही रहा है मार्केट में। ओरिजिनल, अरे इनका ओरिजिनल तो चूहा पी जाता है, इनका पुलिस स्टेशन पी जाता है, पकड़ाता है तो। और डुप्लीकेट शराब जो है पूरा पटना नहीं पूरे बिहार में जगह जगह डुप्लीकेट पीने से मर रहा है भाई। होली में गया और पी करके बेहोश हो गया और गिर गया, तो इसका जिम्मेवार कौन है, कौन बताएगा? जवाब दे नीतीश कुमार, आंकड़ा क्यों छुपा रहे हो आप, आंकड़ा का जवाब दो। बोला कि 35 या 37 को मरा है, उससे कई गुना ज्यादा मरा है और आंकड़ा छिपाया जा रहा है, बताओ कौन जवाब देगा? तो इस पर संशोधन होना चाहिए, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनको तमाचा देने का काम किया है। सारे जज लोग दारू के बोतल और दारू के अति खोज रहे हैं, दारू पीने वाले लोगों को खोज रहे हैं। जमानत जिसका 2 दिन और 1 सप्ताह में होना चाहिए वो 4 महीना 8 महीना पेंडिंग में है, कौन जवाब देगा नीतीश जी? बिहार के लोग को बरगला रहे हैं और न्यायिक प्रक्रिया में ही इतना गलत सलत करवा रहे हैं, तो इस पर होना चाहिए, और जो देश हित में और बिहार के जनता के हित में उस पर होना चाहिए बहस जी। देखिए, बांका से जो अभी ताजा रिपोर्ट आई है उसके अनुसार जो 12 लोगों की वहां पर मौत हुई है दिखे हैं वो एक जैसे दिखे हैं, सभी को दस्त हुआ, घबराहट, सभी लोगों की मौत हो गई है। तो ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि ये कैसे शराबबंदी है बिहार में, जहां पर शराबबंदी है, पूर्ण शराबबंदी है, और इसके बावजूद होली में करीब 3 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो जाती है। आप बने रहते हैं पंचायत के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। द पंचायत को सब्सक्राइब कीजिए और स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए।